तो विद्यार्थियों आप लोग देख सकते हैं हम सीजी बोर्ड कक्षा 12वीं के भूगोल का सेट ए का पूरा सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं। जी हाँ विद्यार्थी, सेट ए का पूरा सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं और हम बताना चाहेंगे जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं यदि उनका सेट बी और सी है तो उसका हम अपलोड कर चुके हैं, तो उन दोनों वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारी प्ले लिस्ट के लिंक में मिल जाएगा। तो प्लीज़ हमारा चैनल जाके एक बार चेक कर लें या फिर इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, ठीक है ना। हमने भूगोल का सेट बी और सेट सी अपलोड कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में हम भूगोल के सेट ए का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है ना, पूरा सॉल्यूशन। तो जिसका भी सेट है प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और शेयर जरूर कर देगा, ठीक है ना, सभी विद्यार्थियों तक शेयर कर देगा जिसका भी सेट ए होगा भूगोल का अर्थात जियोग्राफी का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पास आपको अयस्क की परिभाषा पूछी गई थी, तो आप लोग लिख देंगे पृथ्वी के गर्भ से धातु अयस्कों औद्योगिक तथा अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना अयस्क कहलाता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आप लोग इतना लिख दीजिएगा। फिर दूसरा नंबर देखिए पूछा गया रहा आप लोगों से वनों पर आधारित कोई दो उद्योग लिखिए, तो कोई हम दो उद्योग नहीं, हम आपको चार उद्योग बता दिए। देखिए कागज उद्योग, बीड़ी उद्योग, लकड़ी चढ़ने का उद्योग, दिया सलाई उद्योग, ठीक है ना, दिया सलाई माचिस को बोलते हैं। तो ये आपके यहाँ से प्रश्न क्रमांक दो भी समाप्त हो गया। और हम बताना चाहेंगे कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप और सॉल्यूशन चाहते होंगे तो, ठीक है ना। और यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरे नंबर देखिए आपको दूर संचार क्या है ये पूछा गया है, तो दूर संचार की परिभाषा देखिए हम बता रहे हैं। दूर संचार शब्द का प्रयोग किसी विद्युत संकेत का किसी दूरार्ध क्षेत्र तक संचारित या प्रेषित करने के अर्थ में होता है, तो ये आपको संचार की परिभाषा भी पता चल गई। फिर यहाँ पास देखिए पूछा गया रहा कि 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी थी, तो यहाँ पास देखिए हम आपको बता रहे हैं पूरा ए टू जेड, यही आपको छाप देना है, पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। आप चाहे तो वीडियो रोक के या फिर स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में। देखिए 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या घनत्व 11 के साथ 2001 और 2011 के बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कमी आई थी, ठीक है ना। आपको सिर्फ ये लिखना है, ध्यान रखिएगा 2011 में भारत की जनसंख्या का घनत्व 342 प्रति वर्ग किलोमीटर था, बस आपको इतना लिखना है, ठीक है ना। ये आपके प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हो गया, ठीक है। आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ताकि हम आपके आगे का सॉल्यूशन बना पाए, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ऑल में कर लीजिएगा। फिर देखिए आप पास पांचवें में पूछा गया टिस्को क्या है, तो टिस्को के बारे में यहाँ हम बता दिए। देखिए टाटा स्किल अर्थात टिस्को के नाम से जाने जाने वाली यह भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है, बस आपको इतना लिख देना, ठीक है ना। आप इतना भी लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाए क्योंकि एक ही नंबर का है शायद ये, आप चाहे तो इसको पूरा भी लिख सकते हैं लेकिन यहीं तक लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए छठवा नंबर आपसे पूछा गया है कि धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, तो धान का कटोरा आपके छत्तीसगढ़ को ही कहा जाता है। जी हाँ विद्यार्थी, सीजी को ही धान का कटोरा कहा जाता है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपके प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। अब प्रश्न क्रमांक 7 के उत्तर चलने से पहले आप लोग यदि अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप ये पीडीएफ चाहते तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में जाके सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। तो यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 7 में पूछा गया रहा आपको, ठीक है ना, तो उसका उत्तर आपके सामने है शुष्क भूमि कृषि या बरानी खेती सिंचाई की ये बिना ही कृषि करने की तकनीक है, ठीक है ना। शुष्क कृषि के बारे में पूछा गया रहा आपको, पूरा लिख देना। इसके अंतर्गत उपलब्ध सीमित नमी को संचित करने बिना सिंचाई के ही फसलें उगाई जाती हैं, वर्षा की कमी के कारण मिट्टी की नमी को बनाए रखने तथा उसे बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया जाता है, ठीक है। ये आपके प्रश्न क्रमांक 7 का हो गया। फिर प्रश्न क्रमांक 8 में देखिए पूछा गया आयात और निर्यात में अंतर, ठीक है ना, तो आपको आयात और निर्यात में अंतर दिख रहा होगा, ये फर्स्ट पॉइंट है देखिए, ठीक है ना। या फिर ये सेकंड पॉइंट है, हम एक बार पढ़ के बता देते हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिख लेगा, बीच में कॉलम बना लीजिएगा, ठीक है ना, बीच में एक लाइन खींच लीजिएगा, इस तरफ आयात लिखिएगा उस तरफ निर्यात लिखिएगा, अगर यदि आप ऐसा करना चाहते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं पैराग्राफ में। जब कोई देश किसी दूसरे देश से कोई माल अपने घरेलू बाजार में बेचने के लिए खरीदता है तो इस प्रक्रिया को आयात कहते हैं, ठीक है ना। वहीं जब एक देश किसी दूसरे देश को अपने यहाँ उत्पादित वस्तुओं को बेचता है तो इस प्रक्रिया को निर्यात कहते हैं। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 8 का भी उत्तर हो गया, आपको पूरा पूरा ऐसे लिख देना है।
और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ऑल में कर लीजिएगा। फिर यहाँ क्वेश्चन 9 में आपसे पूछा गया है मिश्रित कृषि की क्या विशेषता है, तो मिश्रित कृषि की विशेषता निम्नलिखित है, आप लोग देख सकते हैं, जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती कहते हैं। यहाँ पास देखिए, फसल उत्पादन के साथ साथ जब पशुपालन भी आय का स्रोत हो तो ऐसी खेती को मिश्रित खेती कहते हैं। मिश्रित खेती में फसल उत्पादन के साथ केवल दुधारू गाय एवं भैंस पालन तक ही सीमित रखा गया है। आप लोग पूरा इसको लिख लीजिएगा, पूरा नंबर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए, आपसे पूछा गया रहा कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में टिप्पणी पूछा गया रहा, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में टिप्पणी पूरे आपको यहाँ से यहाँ लिखना है, क्योंकि ये 3 से 4 नंबर की है तो आपको इतना पूरा लिखना पड़ेगा, लिख दीजिएगा। फिर यहाँ प्रश्न क्रमांक 11 में आपको चित्र दिया गया रहा और उसमें आपको आ पूछा गया रहा और बा और सा पूछा गया रहा, तो आ का उत्तर देखिए ये हो जाएगा, ठीक है ना, आयताकार प्रतिरूप। बा का उत्तर ये 4 लाइन का है और सा का उत्तर देखिए इस तरह के प्रतिरूप काफ़ी सुगम होते हैं, तो आप लोग प्रश्न क्रमांक 11 का भी कर लीजिएगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सेट ए जियोग्राफी भूगोल आपका, ठीक है ना, कक्षा 12वीं सीजी बोर्ड। फिर यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 12 का प्रवास के आर्थिक कारण पूछे गए रहे, तो प्रवास का आर्थिक कारण पहले आप इतना लिख लीजिएगा, ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर ये नीचे का और लिख लीजिएगा, ठीक है, ये नीचे का इतना और लिखिएगा, फिर अभी और है देखिए, इतना लिखने के बाद ये थोड़ा सा और इतना लिख लीजिएगा, तो यहाँ से आपके प्रश्न क्रमांक 12 का पूरा उत्तर हो जाता है। फिर प्रश्न क्रमांक 13 में देखिए आपसे पूछा गया रहा कि सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ सूखा संभावित क्षेत्र का उद्देश्य आपको यहाँ लिखा, आप पूरा इसको लिख लीजिएगा प्रश्न क्रमांक 13 का। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की ओर, तो ये प्रश्न क्रमांक 14 देखिए, मानव भूगोल क्या है और इसके बारे में और पूछा गया है, तो मानव भूगोल की पहली परिभाषा लिखी गई है देखिए, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पास ये मानव भूगोल के बारे में इतना लिख दीजिएगा, तो यहाँ से आपके प्रश्न क्रमांक 14 खत्म हो जाता है। और इस वीडियो में हम सीजी बोर्ड कक्षा 12वीं के जियोग्राफी अर्थात भूगोल के सेट ए का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 14 तक का ही सॉल्यूशन बताए हैं, इसके बाद का सॉल्यूशन अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑल कर लें, ताकि जब भी हम वो वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले मिलता है अगली वीडियो में।